रजनीकांत ने कहा, सनराइजर्स हैदराबाद की टीम में नहीं है कोई भी अच्छा प्लेयर, और रणबीर कपूर ने फिल्म के लिए संजय लीला भंसाली के सामने रखी है ये दो अजीब शर्तें, जिनसे फंस गया है दोनों के बीच पेंच, और भारत पाकिस्तान के इस गंदे काम के कारण रोज 78 करोड़ भूखे मर रहे हैं। और NCAP के चीफ ने इंडियंस को स्कॉर्पियो खरीदने पर वार्निंग क्यों दे दी, और कैसे एक चॉकलेट से इस ब्रांड में पूरे देश को कॉफी पीने पर मजबूर कर दिया, जानने के लिए बने रहिए अंत तक। नंबर 12, दोस्तों हर IPL देखने वाला बंदा सनराइजर्स हैदराबाद की मालकिन काव्या मारन को तो जानता ही होगा। काव्या मारन की नेटवर्थ 409 करोड़ रुपए है, और उनके पिता कलानिधि मारन लगभग 18,500 करोड़ रुपए की नेटवर्थ के मालिक हैं। और हाल में आई रजनीकांत की जेलर फिल्म को कलानिधि मारन ने ही प्रोड्यूस किया था, और जब इस फिल्म का ऑडियो लॉन्च रखा गया तब साउथ इंडस्ट्री की बड़ी बड़ी हस्तियों के साथ ही रजनीकांत भी इसमें शामिल हुए थे। इस ऑडियो लॉन्च में रजनीकांत ने कलानिधि मारन से कहा कि वो काव्या को कहे कि वो अपनी टीम में अच्छे प्लेयर रखे, क्योंकि हार के वक्त काव्या का सैड चेहरा देखकर उन्हें काफी दुख होता है। नंबर 11, अरे देखिए मूस के सींग टूट गए। अगर ये वीडियो देखने के बाद आप भी यही सोच रहे हैं तो आप गलत है। दरअसल दोस्तों ये मूस की सबसे बड़ी विशेषता है, क्योंकि ये हर साल इसी तरीके से अपने सींग अपने शरीर से अलग कर देते हैं। ये ऐसा ब्रीडिंग सीजन के बात करते हैं क्योंकि इन सींगों की वजह से उनके सर पर काफी ज्यादा बोझ हो जाता है, और ठंड के समय में इन्हें काफी ज्यादा एनर्जी की जरूरत होती है। और अगर आप सोच रहे हैं कि सींग अलग करने में इन्हें बहुत ज्यादा दर्द होता होगा, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि यह सींग इनके शरीर से नहीं जुड़े होते और बड़े आसानी से अलग हो जाते हैं। अलग होने के लगभग 4 महीनों के बाद ही इनके ये सींग वापस से जम जाते हैं। नंबर 10, दोस्तों दुनिया में पैसे कमाने के बहुत सारे रास्ते हैं, और कई अजीब भी हैं, जिसे इस लड़की ने साबित भी कर दिया है। दरअसल अमेरिका के मैनचेस्टर की रहने वाली ये लड़की केवल हग करके महीने के लाखों रुपए कमाती है। इसका नाम अनिको रोज है, जो कि प्रोफेशनल कडलर है, और हर दिन उन्हें गले लगाने के लिए उनके पास लोगों की लाइन लगी रहती है, और लोगों को गले लगाने के इसी काम से अनिको अच्छी खासी कमाई कर लेती है, क्योंकि वो गले लगाने के 1 घंटे के 70 यूरो यानी कि 7,400 रुपए चार्ज करती है। अनिको का कहना है कि जब वो लोगों को गले लगाती है तब उनके अंदर ऑक्सीटोसिन उनका एक हार्मोन रिलीज होता है, जिससे उनका स्ट्रेस कम होता है, और लोगों का तनाव दूर करने के बदले ही वो उनसे पैसे लेती है। नंबर 9, दोस्तों जर्मनी में आपको चलती फिरती दुकानें देखने को मिल जाएगी, क्योंकि इसे इंसान ही अपने शरीर में लेकर घूमता है। दरअसल अपनी बॉडी में ही ये ऐसी गेटअप करके चलते हैं जिससे पूरी शॉप खोल सकते हैं, और तो और यदि बारिश आ जाए तो ये इसके ऊपर छतरी भी लगा लेते हैं और लोगों को तरह तरह का खाना भी देते हैं। अब चीन कुछ अच्छा करे या ना करे, लेकिन अपने लोगों के लिए काफी चीज अच्छी करता है, जैसे कि यह मोनोरेल सिस्टम। दरअसल चीन में जो लोग पहाड़ों पर रहते हैं उन लोगों को जरूरी सामान पहुंचाने के लिए सरकार मोनोरेल सिस्टम का इस्तेमाल करती है, ताकि लोगों को नीचे से सामान ले जाने में कोई तकलीफ ना हो। चीन का ये आइडिया आपको कैसे लगा कमेंट में जरूर बताइएगा। नंबर 8, बॉलीवुड के फेमस सुपरस्टार रणबीर कपूर अब बहुत ही जल्द संजय लीला भंसाली की फिल्म लव एंड वॉर में नजर आने वाले हैं। लेकिन बॉलीवुड में रणबीर कपूर की पॉपुलैरिटी इतनी ज्यादा हो गई है कि उन्होंने इस फिल्म को करने के लिए संजय लीला भंसाली के सामने अपनी 2 बड़ी शर्तें रखी है। और हैरानी की बात यह है कि संजय लीला भंसाली ने रणबीर कपूर की इन दोनों शर्तों को मान भी लिया है। रणबीर कपूर की पहली शर्त है कि पिक्चर की शूटिंग टाइम पर पूरी करनी होगी, जो कि नवंबर से शुरू होकर जुलाई 2025 तक चलेगी। और रणबीर की दूसरी शर्त है कि मूवी की शूटिंग के दौरान उनका टाइम फिक्स होगा, क्योंकि सांवरिया फिल्म में उन्हें कई बार एक्स्ट्रा घंटे काम करना पड़ा था। नंबर 7, आजकल फेमिनिज्म और स्यूडो फेमिनिज्म को लेकर लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, और कई बार इसके कारण सोसाइटी में कॉन्फ्लिक्ट देखने को भी मिलते हैं। एक ऐसा ही सवाल मीडिया इंटरव्यू के दौरान भारतीय वुमेन्स क्रिकेटर स्मृति मंधाना से पूछा गया कि वुमेन्स प्लेयर को मेंस प्लेयर के मुकाबले कम पे किया जाता है, और इस पर स्मृति मंधाना ने काफी अच्छा जवाब दिया था। उन्होंने कहा कि वुमेन्स क्रिकेट का रेवेन्यू मेंस क्रिकेट की वजह से ही आता है, और जिस दिन वुमेन्स क्रिकेट टीम मेंस क्रिकेट टीम से ज्यादा रेवेन्यू कलेक्ट करेगी उस दिन
वो खुद बराबर पेमेंट की बात करेंगी। और अगर हम रेवेन्यू की बात करें तो वो मैन या फिर वूमेन पर निर्भर नहीं करता, बल्कि कुछ फैक्टर पर डिपेंड करता है जिनसे ऑडियंस अट्रैक्ट होती है। वैसे तो शाहरुख खान की पॉपुलैरिटी पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा है, लेकिन फिर भी इंस्टाग्राम में श्रद्धा कपूर के उनसे ज्यादा फॉलोअर है। इससे क्लियर है कि हर एक फैक्टर हर एक चीज पर फिट नहीं बैठता है। नंबर 6, दोस्तों आपको जानकर हैरानी होगी कि पूरी दुनिया में लगभग 84 लाख करोड़ रुपए का खाना वेस्ट हो जाता है, और इसमें हमारा भारत भी आता है। इतना खाना वेस्ट होने के बावजूद भी दुनिया में हर दिन लगभग 78 करोड़ लोग भूखे पेट सोते हैं। यूनाइटेड नेशन की फूड इंडेक्सिंग रिपोर्ट के मुताबिक एक इंसान हर साल लगभग 80 किलो खाना वेस्ट कर देता है। इस वेस्टिंग में 60% घरों से होता है, जबकि बाकी बचा हुआ खाना होटल और रेस्टोरेंट से वेस्ट होता है। पाकिस्तान जैसे गरीब देश में यह आंकड़ा बहुत ज्यादा है, क्योंकि वहां पर फूड रेफ्रिजरेट करने के लिए सुविधाएं ही मौजूद नहीं है। और अगर हम भारत की बात करें तो यहां अधिकांश खाना शहरी क्षेत्र में ही वेस्ट होता है, क्योंकि गांव में खाने को जानवरों को खिला दिया जाता है। नंबर 5, दोस्तों साल 2023 में रेवंत हिमातसिंका ने पूरी बॉर्नविटा कंपनी को हिला दिया, जो कि कैडबरी का एक ब्रांड है। रेवंत हिमातसिंका एक न्यूट्रिशनिस्ट और हेल्थ कोच है। उन्होंने बॉर्नविटा को एक्सपोज करते हुए उसमें मिली शुगर और ऐसे ही कुछ और चीजों को एक्सपोज किया था, जिससे कैंसर होने का खतरा हो सकता है। रेवंत की इस वीडियो के कारण बॉर्नविटा पूरी तरह से हिल गया और उन्होंने रेवंत को लीगल नोटिस भेजा। इसके बाद रेवंत ने वीडियो तो डिलीट कर दिया, लेकिन ये लड़ाई कैडबरी वर्सेस रेवंत से हटकर कैडबरी वर्सेस इंडिया की हो गई। इसके बाद इंडियन गवर्नमेंट ने कैडबरी को नोटिस भेजा और उनकी पैकेजिंग पर क्लेरिफिकेशन मांगा, जिसके बाद कैडबरी को अपने प्रोडक्ट में 15% शुगर कम करनी पड़ी। तो अगर आप भी अपने बच्चों को मजे से बॉर्नविटा पिला रहे हैं तो एक बार इसके बारे में सोचिएगा जरूर। नंबर 4, दोस्तों हमारे देश में स्कॉर्पियो, थार, हैरियर जैसी SUV कार की सेल लगातार बढ़ती जा रही है, लेकिन ग्लोबल NCEP के चीफ ने इस चीज को लेकर इंडियन को चेतावनी दी है और SUV न खरीदने के लिए कहा है। अब अगर आप ऐसा सोच रहे हैं कि इन SUV गाड़ियों की सिक्योरिटी रेटिंग तो 5 स्टार है, तो क्या ये इनकी सेल को कम करने की कोई साजिश है? तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। ग्लोबल NCEP के चीफ ने ये बात गाड़ी के अंदर बैठे लोगों की सुरक्षा के लिए नहीं, बल्कि बाहर चलने वाले लोगों के लिए कही है, क्योंकि इन गाड़ियों का बोनट बहुत ज्यादा ऊंचा होता है और यदि गलती से भी ये रोड पर चलते हुए किसी आदमी से टकरा जाए तो उसे बहुत बुरी तरह से घायल कर देती है, जिसके कारण यह गाड़ियां बहुत ही ज्यादा खतरनाक हैं। नंबर 3, दोस्तों फिल्मों में हम जिन्हें देखते हैं वो रियल हीरो नहीं होते, रियल हीरो हमें अपने आसपास ही दिखाई दे जाते हैं। इस फोटो को देखिए, इसमें दिखने वाले इस शख्स का नाम चंद्र किशोर पाटिल है, जो कि इंदिरा नगर नासिक में रहते हैं और ये रियल लाइफ हीरो हैं। अब अगर आपने गौर किया हो तो उनकी फोटो के किनारे आपने बहुत सारा पॉलिथीन देखा होगा, और यही काम इन्हें हीरो बनाता है। दरअसल ये हर रोज गोदावरी नदी के किनारे खड़े हो जाते हैं और उसमें कचरा या पॉलिथीन फेंकने वालों को रोकते हैं, और इसके लिए उन्होंने एक सीटी ले रखी है, और जैसे ही कोई कचरा फेंकता है तो ये तुरंत सीटी बजाते हैं। कई बार लोग उनके साथ झगड़ा भी करने लगते हैं, लेकिन इन्होंने लोगों कन्वेंस करने के लिए गोदावरी नदी का ही गंदा और साफ पानी कुछ बोतल में भर के रखा हुआ है और लोगों को उसे पीने के लिए कहते हैं, और लोग उस पानी को देखते ही कन्वेंस हो जाते हैं कि हाँ, सच में हमने नदियों को कितना ज्यादा प्रदूषित कर दिया है। नंबर 2, दोस्तों सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद नेस्ले कंपनी ने जापान में अपनी कॉफी लॉन्च की और एडवर्टाइजमेंट में कई करोड़ रुपए खर्च कर दिए, लेकिन रिजल्ट में 0 मिला, क्योंकि जापान के लोग काफी से नफरत करते थे। लेकिन नेस्ले इतनी जल्दी हार नहीं मानने वाला था। इसके बाद नेस्ले नेक्लोटारो रैपल को, जो कि बहुत ही फेमस साइको एनालिस्ट थे, इसका कारण जानने के लिए लगाया, और उन्होंने अपनी रिसर्च के बाद पता किया कि जापान के लोग सैकड़ों सालों से चाय पी रहे हैं, इसलिए उन्हें कॉफी पिलाना नामुमकिन है। इसके बाद उन्होंने आइडिया दिया कि जापान में चॉकलेट कैंडी शुरू कर दो, और यदि बच्चों को पसंद आ गई तो आने वाली जनरेशन चाय नहीं केवल कॉफी ही पिएगी। इसके बाद नेस्ले कंपनी ने पूरे जापान को अपनी चॉकलेट कैंडी से भर दिया, और धीरे धीरे बड़ों को भी कैंडी पसंद आने लगी, और फिर दोबारा नेस्ले ने अपनी कॉफी लॉन्च की, और इस बार हर एक जापानी ने उसकी कॉफी पी। नंबर 1, अक्सर लोग कहते हैं कि पढ़ लिख कर एक अच्छी जॉब मिल जाती है, लेकिन आप हैरान हो जाएंगे कि इंडिया में जो जितना ज्यादा पढ़ लेता है
उसे जॉब मिलने के चांस उतने ही ज्यादा कम हो जाते हैं। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन की एक रिपोर्ट के अनुसार इंडिया में टोटल ग्रेजुएट लोगों में 30% से भी ज्यादा बेरोजगार है। 12 तक पढ़ने वालों में 18% लोग बेरोजगार है, जबकि बिना पढ़े लिखे लोगों में केवल 3% ही बेरोजगार है। यानी कि जितनी ज्यादा पढ़ाई उतनी ज्यादा बेरोजगारी। दोस्तों, इसका मेन रीजन ये है कि हमारे इंस्टीट्यूट आज भी वही घिसी पिटी किताबी शिक्षा दे रहे हैं, जो कि आज के इस एडवांस टेक्नोलॉजी वाले माहौल में फिट नहीं बैठती हैं, और ग्रेजुएशन करने के बाद कोई छोटी जब भी नहीं करना चाहता। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी आज की ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर हाँ, तो इसे अधिक से अधिक लाइक और शेयर करें। हमें कमेंट करके बताएं कि आपको कौन सा फैक्ट सबसे मजेदार लगा। आज के लिए इतना ही। आपसे फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ।